अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ततो जयमुदीरे
कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प दरु तड़िद्युत विनंदक श्री पीतांबर धारी मोर मुकुट धारी वंशी धारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए व्रज व्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी को नमन करते हुए उपस्थित सभी विप्रवृंद आचार्य वृंद विद्वत वृंद एवं सभी संगीताचार्य और यहाँ पर उपस्थित सभी कथा सुनने पहुंचे हुए श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान की वांग्मयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की भागीरथी गंगा में प्रवेश करें। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को गंगा कहा है, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को मंदाकिनी कहा है। वो इसलिए क्योंकि आप लोग मंदिर में जाते हो तो थोड़ा सा भगवान से दूर रहना पड़ता है। भाई पुजारी जी आपको भगवान पे छूने नहीं देंगे, दूर से ही दर्शन करते हो। पर लेकिन यमुना जी गंगा जी नदियां ये तो कहती है आओ और नहाओ, जब तक इनको स्पर्श ना करो तब तक पवित्र नहीं होगे। इसीलिए और मंदिर में तो समय होता है कि भाई आप इतने से इतने बजे तक ही मंदिर में जा सकते हो, फिर भगवान सो जाते हैं। पर लेकिन गंगा जी यमुना जी कभी भी जाओ हर समय स्नान करने को मिलेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने इस कथा को रामचरितमानस को मंदाकिनी कहा है और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को भागीरथी गंगा कहा है। मंदिर एक जगह ही स्थित होता है, आपको दर्शन करना है तो वहां जाना होगा, लेकिन ये कथा रूपी गंगा ऐसी गंगा है कि कभी भी कहीं भी पहुंच सकती है। इसलिए आए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करें। प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन आप लोग तालियों से सेवा करेंगे और जिन माताओं को नृत्य करना हो वो नृत्य करेंगे। पहले तो आज कथा का प्रारंभ है, हनुमान जी की वंदना करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल आगे आगे ताली बजाइए।
समाधि में स्थित है और कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए, भगवान को बाण मारने ही वाला, तो तुलसी बाबा लिख ही रहे थे कि काम के प्रभाव से सारा जग व्याप्त हो गया। फिर बाबा को मन में आया, क्या कोई बचा भी होगा काम से? बड़े परेशान हो गए। तो नियम ये था कि भाई जहां कलम रुकी तो बस वहीं बंद कर देनी है किताब, फिर अगले दिन लिखी जाए। जैसे गणेश जी, जब आप लोग कभी जाना जहां पर बद्रीनाथ में व्यास जी महाराज कथा को बोलते हैं और गणेश जी महाराज उसे लिखते हैं, क्योंकि जब नारद जी आए, महाराज श्रीमद् भागवत लिखो, व्यास जी ने कहा भाई अब लिखने की हालत तो रही, बड़े बूढ़े हो गए, लिख नहीं सकते, तो किसको बुला? बोले ज्ञान यानी गणेश को ही बुला लो। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने एक शर्त रखी, ध्यान से सुनो, गणेश जी ने एक शर्त रखी, जहां मेरी कलम रुकी फिर मैं कभी नहीं लिखूंगा, अगर मेरी कलम रुक गई तो मैं नहीं लिखूंगा। इसलिए व्यास जी इतनी तेज लिख बोलना मेरी कलम ना रुक जाए। और फिर मैं नहीं चाहता कि आपका पुराण आधा छूट जाए या पूरा हो। तो व्यास जी एक सांस में ही 100 श्लोक बोला करते थे उस समय, एक सांस में 100 श्लोक। तो व्यास जी ने सोचा भाई सांस भी लेनी है और गणेश तो इतने तेज लिखते हैं कि सांस लेने का समय भी नहीं देंगे, तो क्या करें, बड़ी परेशानी। तो व्यास जी फिर क्या करते, लगातार श्लोक बोलते, और जैसे ही 100वां श्लोक बोलते, 100वां श्लोक व्याकरण की दृष्टि में अलंकारों से सुसज्जित कर देते। वो गणेश जी सोचते कहीं इसका अर्थ ये है, अरे नहीं नहीं व्यास जी ऐसा नहीं बोल सकते, फिर सोचते नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और जब तक गणेश जी सोचते 100वां श्लोक, तब तक व्यास जी सांस ले लेते। इसीलिए तुलसी बाबा दिन में ग्रंथ लिखते हैं और रात में उसका गान करते हैं। किसी ने पूछा जब एक बार लिख लिया तो गान करने की जरूरत क्या? तुलसी बाबा ने कहा, बोले निज गिरा पावन करनि कारणी, राम यश तुलसी कहे। मैं ये ग्रंथ इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि कोई सुने मुझसे है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निज गिरा अपनी जीव को पवित्र करने के। क्योंकि प्रायः समाज में देखा जाता है हमारी माता या भाई लोग, भाई हमारी माता अगर कान खाली है तो बाली लगा लेती, कान कुंडल पहन लेती, हाथ में उठिया लगा लेते, नाक में भी गले में भी हर जगह कोई ना कोई आभूषण, लेकिन जीव को कभी कुछ पहनाया क्या? नहीं पहना। इसीलिए आज गाओ यही जीव का आभूषण। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा निज गिरा पावन करन कारने राम यश तुलसी कहे। इसलिए आज सब लोग ताली बजाते हुए गाते हुए पवन तनाया संग कर हित कारी
Yeah.
प्रारंभ करें श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांग्मय स्वरूपा। भगवान ने स्वयं कहा है स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात्। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें कर्तव्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।